हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे नमकीन मूंगफली, जो कि व्रत में खाया जाता है प्लस ऐसे भी स्नैक्स में खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये सूखी मूंगफली के दाने जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है दो बड़े बोल के मूंगफली के दाने। इनको मैंने बड़े से बोल में पानी में इस तरह से डिप करके रख दिया है। लगभग आधे घंटे के लिए आपको ऐसे भिगो के रख देना है। आधे घंटे बाद आप देखोगे आपके मूंगफली के दाने कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम अच्छे से धुल भी जाएंगे। तो इसका पानी आपको अच्छे से धुल के स्ट्रेन कर लेना है, अलग से छान करके अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। हाँ, मैंने अच्छे से धुल लिया है, थोड़ा सा साफ भी कर लिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको बॉईल करने के लिए। यहाँ मैंने लिया है एक कुकर, उसमें सारा ये मूंगफली के दाने को हम डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, हमें इसे एक सीटी लगाना है बस। तो हम इसे बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, बस एक सीटी लगाना है। तो चलिए चलते हैं अब हम पैन की तरफ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 2 बड़ी चम्मच ऑयल, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से क्रैकल ना हो जाए। आप देख सकते हो मैंने इसे हाई फ्लेम में ही डाला था। अच्छे से देखिए भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं बारीक कटे हुए लाल टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए लाल टमाटर को यूज़ किया है। इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आप इसे कुक नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और जो कॉन्टेंट फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसे स्टीम में डाल देंगे लगभग 2 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से हमारा टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़े से अपने मसाले को। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है मसाले हमारे पास। यहाँ सबसे पहले डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो। आधी चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इससे चटपटा सा स्वाद आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये मूंगफली का नमकीन वाला जो हम बना रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी उबली हुई मूंगफली को जो हमने बना के प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखा हुआ था। और बस अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए और अच्छे से कुक कर लेते हैं, हल्के से फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका जो कच्चापन है और इसका जो हमने नमकीन ट्विस्ट चटपटा फ्लेवर डाला है वो इसमें कोट हो जाए अच्छे से। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में, जैसा भी आपको पसंद हो। तो देखिए बनके हो गई है रेडी हमारी चटपटी सी टेस्टी सी रेसिपी। आप इसे व्रत के टाइम यूज़ कर सकते हो, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी टेस्टी एंड यम्मी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय।